ट्रेनिंग एफएम आज के स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि यदि आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हो तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कोई यूज आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी क्या है और प्लास्टिक इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, स्कोप आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी क्या है और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, और जॉब की बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी करके आप किस सेक्टर में मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, और प्लेसमेंट और सैलरी पैकेज सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। बस आप डियर स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कितना स्कोप है, कितना इसका बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो की बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल कर के यह बोला कि सर डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाइए जिससे हमको क्लेरिफाई हो सके कि हम प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करके किस किस क्षेत्र में अपना जॉब देख सकते हैं और इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, और डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 3 साल में हमको किस चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में इतना यूज है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो बहुत बेकार ब्रांच है, लेकिन मैं आप आज को क्लियर कर देता हूं कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें 90% प्लेसमेंट हो जाता है। 90% प्लेसमेंट यानी कि 10 में 9 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। जो एक बच्चा होता है या तो वह आगे की पढ़ाई करना चाहता है या खुद का बिजनेस करना चाहता है, तो यह आप ध्यान में रखिएगा, माइंडसेट बनाकर चलिए कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का बहुत ही फ्यूचर में स्कोप है और यह एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपका कह सकते हैं 100% प्लेसमेंट होता है, वो भी बेस्ट पैकेज के साथ। मैं आपको रूबरू कराता हूँ डियर स्टूडेंट कि डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में यूज है। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या प्लास्टिक का जो यूज है, आप अपने घर में एक छोटे से छोटे पार्ट को देख लीजिए, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, बड़ी बड़ी कारों में, ट्रक में, सारी जगह पर आप प्लास्टिक की चीज़ें पाएंगे। ये सब कहाँ बनती है? ये एक इंडस्ट्री से ही बनकर आती हैं, ये एक कंपनी से ही बनकर आती हैं। आपको भी पता है डियर स्टूडेंट, आजकल जो रेसर गाड़ियाँ होती हैं या कोई भी बाइक आप देख लीजिए, सभी मोटरसाइकिल में, सभी कारों में हल्का बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक का मैक्सिमम यूज किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ झलकियाँ, सर देखिएगा ध्यान से। यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आपके घरों में यूज होने वाली कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की यूज होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि प्लास्टिक का कितना यूज है। ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सारी चीज़ें आपका इंडस्ट्री लेवल पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा और मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट, हम दिखाते हैं डियर स्टूडेंट आपको बाइक में, देखिएगा ये बाइक के कितने सारे पार्ट डियर स्टूडेंट आपके प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री से ही बन करके आपके बाइक में असेंबल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि प्लास्टिक का फ्यूचर में कितना स्कोप है, क्योंकि सारी गाड़ियां जो हैं हल्का से हल्का बनाने का प्रयास किया जाता है जिससे उनका रेसर लेवल अच्छा बन सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैं आपको कार में भी दिखा देता हूं। यहां से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इस कार के
मैक्सिमम पार्ट आप कह सकते हैं कि आपका प्लास्टिक का ही बना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखिए डियर स्टूडेंट एयर मैनेजमेंट भी आपका प्लास्टिक होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपका HUAC सील्स भी आपका प्लास्टिक का होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्लास्टिक का, ये भी आपका प्लास्टिक का, ये सारी चीज़ें आपका प्लास्टिक का। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट जो प्लास्टिक का यूज है आपके घर के छोटे छोटे से चीज़ से लेकर के आपके साइकिल में, आपके मोटरसाइकिल में, आपके कार में, यहाँ तक कि ट्रकों में भी छोटे छोटे पार्ट आपके प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का कितना यूज है। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी झलकियाँ दिखाया कि प्लास्टिक का यूज कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैं और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट, ये तो प्लास्टिक का यूज आपको समझ में आ गया। अब हम मैं डियर स्टूडेंट बात करते हैं कि प्लास्टिक इंजीनियर कैसे बने। डियर स्टूडेंट आपको प्लास्टिक इंजीनियर बनने के लिए कम से कम जो योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल पास हो, यानी कि स्टूडेंट यदि किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल पास है तो वह प्लास्टिक इंजीनियर बन सकता है। जैसे आपका IERT का एग्ज़ाम होता है, यह भी आपका प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स कराता है। उसी प्रकार से स्टेट वाइज डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आपका प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होता है, वो भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा आप CPET से भी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट स्कोप ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो स्कोप आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा स्कोप है। मैक्सिमम चीज़ें आप देख रहे हैं कि हल्की से हल्की बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज हो रहा है। आपके घरों में छोटे से छोटे पार्ट, मैक्सिमम आप डेवलपमेंट जो देख रहे हैं कि सारी चीज़ें धीरे धीरे प्लास्टिक में ही कन्वर्ट हो रही हैं। इसका जो मेन मतलब ये होता है, प्लास्टिक में कन्वर्ट करने का मेन जो रीज़न होता है कि जो प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं कास्ट में भी आपकी हल्की पड़ जाती हैं, यानी कि जो आपका पैसा लगना है कम लगता है। दूसरी बात, हल्की होती हैं और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती हैं, आप कहीं से भी आप इसको अप डाउन कर सकते हैं क्योंकि वेट में बहुत हल्की होती हैं। और डियर स्टूडेंट जो स्कोप ऑफ प्लास्टिक है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो प्लास्टिक का यूज है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कास्ट में भी कम पड़ती हैं और वेट में भी कम पड़ती हैं और थोड़ा सा सो लेबल भी होती हैं। तो इस तरीके से आप स्कोप ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में क्या सिखाया जाता है, सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 3 साल में आपको क्या सिखाया जाता है। प्लास्टिक से जुड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है, डिजाइंस के बारे में दिखाया जाता है, प्लास्टिक के बारे में फीचर ऑफ प्लास्टिक दिखाया जाता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक सिखाया जाता है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट वैल्यू ऑफ प्लास्टिक सिखाया जाता है और प्लास्टिक का कहाँ कहाँ अप्लायंसेस हैं, इसके डिफेक्ट्स कैसे कैसे आते हैं, एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि प्लास्टिक के 0 से लेकर 100 लेवल तक जो भी फीचर हैं सारी चीज़ों के बारे में आपको इन 3 सालों के अंदर सिखाया जाता है कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, वैल्यू ऑफ प्लास्टिक क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है प्लास्टिक के, और उसके डिजाइंस के बारे में दिखाया जाता है और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको 3 साल में सिखाया जाता है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी तो ना के बराबर होती है। यदि आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में इसका इतना स्कोप है कि यदि आप 3 से 4 साल अच्छी तरीके से दे दिए इंडस्ट्री में,
तो गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी सैलरी आप पा जाएंगे प्राइवेट जॉब में। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का यूज है गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में आप जॉब नहीं पा सकते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि आप अपना 3 से 4 साल किसी भी इंडस्ट्री में दे दिए तो गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा आप प्राइवेट जॉब में पाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी भी समझ में आ गया होगा। प्लेसमेंट सर सैलरी पैकेज, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका प्लेसमेंट होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का 90% प्लेसमेंट हो जाता है, 90% प्लेसमेंट हो जाता है। जो 10% स्टूडेंट होते हैं या तो वह आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं या तो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यदि आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा कर लेते हैं तो जो आपका ट्रेनिंग के दौरान या यह कह सकते हैं फ्रेशर के दौरान जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है डियर स्टूडेंट, वो आपको 15 से 25 हज़ार दिया जाता है। यानी कि स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी वो आपका 15 से 25 हज़ार। अब यह 15 से 25 हज़ार के बीच वैरी इसलिए करता है क्योंकि यह डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। लेकिन डियर स्टूडेंट जैसे आप 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो, जैसे आप 1 साल का अनुभव प्राप्त कर लेते हो इंडस्ट्री में, तो दूसरे और तीसरे साल में या कह सकते हैं आफ्टर 2 साल यानी कि 2 साल के बाद यही जो सैलरी होती है वो आपका 25 से 35 हज़ार हो जाती है। 25 से 35 हज़ार 2 साल के बाद आपकी यही सैलरी हो जाती है। और 25 से 35 बैरी इसलिए करता है क्योंकि आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो 2 साल इंडस्ट्री में दिया प्लास्टिक सेक्टर में क्या आपने गेन किया, आपके पास कितना नॉलेज है उस प्लास्टिक के बारे में, और जो पिछली कंपनी में आपने काम किया उसके बारे में कितना नॉलेज है, कितना वैल्यूएबल आप हो सकते हैं हमारी कंपनी के लिए। सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी जो सैलरी लेवल होती है वो 25 से 35 हज़ार के बीच वेरी करती है। यदि कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसका मान लीजिए 28-30 हज़ार होता है। यदि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लास्ट के 2 साल में जो भी काम किया बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको नॉलेज है, डेवलप कर सकता है, कंपनी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कंपनी के बेनिफिट्स को बढ़ा सकता है, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में यदि अच्छा खासा स्टूडेंट है उसको नॉलेज है पिछली कंपनी में जो काम किया 2 साल, तो उसकी जो सैलरी होती है वो आपका 32 से 35 हज़ार दिया जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। डियर स्टूडेंट आप प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करके कौन कौन से जॉब पोजीशन पा सकते हैं, तो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करके आप शुरू के 1 साल तो आपको ट्रेनिंग इंजीनियर पर रखेगा या सुपरवाइज़र पर रखेगा, उसके बाद से आपको जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, प्लांट मैनेजर की जॉब मिल सकती है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब मिल सकती है, प्रोडक्शन इंजीनियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है। बस आप अच्छी तरीके से 3 साल में डिप्लोमा इन प्लास्टिक के बारे में अच्छी तरीके से सीख जाइए। इस तरीके से आप 3 साल दीजिए कि कोई भी किसी भी कंपनी का एचआर आए या कोई भी इंटरव्यूअर आए, आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि उसको पता चले हाँ यह बच्चा 3 साल डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मन लगाकर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया है। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।